जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोफ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। आपको कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत परेशान है, ट्राई कर रहे हैं पर लक साथ नहीं दे रहा है, अड़चने आ रही है, बार बार प्रयास करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, ऐसी स्थिति में बहुत सी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। क्या कारण है जिसके कारण जॉब नहीं मिल पा रही है? आप अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं, आप वास्तु कराते हैं, उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपको बताने जा रही हूँ तीन छोटे छोटे परंतु बहुत ही अचूक उपाय, जिनको आप पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित ही आपका करियर बहुत ही अच्छा बनेगा। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब आपको ज़रूर मिलेगी, और यदि आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं, तो मनचाही जॉब के योग भी बनेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें। कैरियर एक इंसान के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। एक अच्छा कैरियर बनाना हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में कैरियर को लेकर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है। प्राइवेट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, लक साथ नहीं दे रहा है, बार बार अड़चने आ जाती हैं, या तो जॉब नहीं मिलती है या कोई ना कोई कारण से ना हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो उपाय मैं आपको अब बताने जा रही हूँ उन्हें करिए, निश्चित सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और आप अपने कैरियर में तरक्की करेंगे। सबसे पहला उपाय, इस उपाय में आपने मंडे के दिन शुरू करना है। मंडे के दिन आप पीपल के पेड़ के पास जाएंगे, पीपल के पेड़ के पास जाके हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे पीपल देव, मैं कल मंगलवार के दिन आपके पास आऊँगा, मुझे आपके 21 पत्तों को तोड़ने की अनुमति दीजिए। आपने ऐसे प्रार्थना करके आ जाना है। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि आपने ये पत्ते पीपल के पेड़ से ही तोड़ने हैं, जगह जगह जहाँ छोटे छोटे से पीपल के पौधे निकल आते हैं वहाँ से नहीं तोड़ने हैं। इसके बाद अब आप ट्यूसडे को जाएंगे, मंगलवार के दिन उस पेड़ के पास जाएंगे, वहाँ से आप उनसे अनुमति लेकर प्रार्थना कर कर कि मेरे कैरियर में बहुत परेशानी आ रही है। अब आप उन्हें अपनी परेशानी बता सकते हैं कि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है या आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप अनुमति दीजिए 21 पत्ते तोड़ने की। वहाँ से आप 21 पत्ते तोड़ के घर ले आइए। अब इन पत्तों को अच्छे से गंगा जल से साफ करिए और चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अनार की कलम से आपने हर पत्ते पर राम लिखना है। अब आप कहेंगे कि अनार की कलम हम कहाँ से लेकर आएं? अगर आपके पास कहीं अनार का पेड़ है तो उसकी एक टहनी तोड़ लीजिए और आगे से उसको नुकीली कर लीजिए, कलम की तरह बना लीजिए। अब चमेली के तेल में सिंदूर मिलाइए और इससे हर पत्ते पे आपने राम लिखना है। अब इन 21 पत्तों की आपने माला बनानी है और हनुमान जी को पहना देना है। जब आप हनुमान जी को आप पहना रहे हैं तो उनसे आपने प्रार्थना करनी है कि मेरे कैरियर में बहुत सारी परेशानी और अड़चने आ रही हैं, ये जिम्मेदारी अब मैं आपको सौंप रहा हूँ, ये मैं आपको सौंप रही हूँ। मेरा कैरियर, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए या मुझे मनचाही नौकरी चाहिए, जो भी आप चाहते हैं वो आप उनसे कहिएगा, निश्चित ही आपके कैरियर में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दूसरे उपाय में आपने शनिवार का दिन छोड़कर किसी भी दिन एक ताला लेकर आना है। ज़्यादातर आप शुक्रवार के दिन ले जाइए, ज़्यादा अच्छा है। ताला लेना है, अगर वो ताला आपको खुला हुआ मिला है तो उसको आपने बंद कर देना है। तीन चाबी का आपने ताला लेना है, ध्यान रखिए तीन चाबी का आप ताला खरीदेंगे शुक्रवार के दिन, इसको अपने सिराने रख कर सो जाना है। सुबह उठना है आपने ब्रह्म मुहूर्त पे, यानी कि 4 से 6 बजे के बीच आप उठेंगे। आपने इस ताले को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे या मंदिर के बाहर रख देना है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि रखते हुए आपको कोई देखे नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, आपको अनटोके इस उपाय को करना है। ताले को रखते समय भी आपने मन में यही कामना करनी है, हे 33 कोटि देवी देवता, मेरे भाग्य में जो भी अड़चने आ रही हैं, मेरे लक में जो भी बाधा आ रही है,
जैसे ये ताला खुले मेरा भाग्य भी खुल जाए और आपने सीधा घर लौट के आना है और कहीं नहीं जाना है। इस उपाय को करने से आपकी किस्मत में जो भी ताले पड़े हैं वो खुल जाएंगे। तीसरे उपाय में आपने चमड़े के जूते लेने हैं, यानी कि लेदर के शूज़ लेने हैं। ये शूज़ आपने सैटरडे के दिन नहीं खरीदने हैं, सैटरडे को छोड़कर आप किसी भी दिन लाकर रखिए। सैटरडे से आपने इसको पहनना शुरू करना है और लगातार 8 दिन पहनना है। यहाँ ध्यान रखिए, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि हम बाहर जाते हैं तभी हम शूज़ पहनते हैं और घर में हम स्लीपर्स पहन के रखते हैं, तो आपने 8 दिन लगातार शूज़ ही पहनने हैं। घर में भी उन्हीं शूज़ को पहनकर आपने घूमना है। आपने सिर्फ रात को वो शूज़ उतारने हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। आप कहेंगे कि 24 घंटे हम शूज़ कैसे पहन सकते हैं, सिर्फ रात को उतारेंगे, पूरे दिन पहनिए, 8 दिन लगातार पहनने हैं। शनिवार से शुरू करेंगे, उसके बाद जो शनिवार आएगा आपने शनि मंदिर सूर्यास्त के बाद जाना है और उन शूज़ को वहाँ छोड़ कर आ जाना है। ये उपाय करने से आपके कैरियर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, कोई अड़चन है, कोई टोटका किया हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, कोई ग्रह बाधा है, सब दूर होगी। तीनों उपाय करिए, तीनों उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। इस उपायों को करने से आपका कैरियर में आप तरक्की करेंगे, मनचाही जॉब मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।